Now, our next topic is lysosome. लाइसोसोम, व्हाट इज़ अ लाइसोसोम, क्या होता है लाइसोसोम? लाइसोसोम को हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा एक सेल में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है दैट इज़ मैम्ब्रेन बाउंडेड. मैम्ब्रेन तो बाउंडेड होता ही होता है, साथ ही साथ इट कंटेन्स अ मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एज वेल एज दे कंटेन अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑल्सो. क्लियर? सो What is a lysosome? So lysosome is a membrane bounded structure. It is a membrane bounded structure, contains several hydrolytic enzymes. For an example, proteases, carbohydrates, and lipases. These are the enzymes which are useful for the digestion of a particular kind of nutrient. For an example, proteases is responsible for the digestion of all kind of protein. मतलब जितने type के protein इनको ये digest कर सकती है. Similarly, carbohydrates is सारे carbohydrate को digest करने में responsible है. And the lipases for the lipid. That is all the kind of the lipid. Is digested by the lipases enzyme. Mostly, not all, it is mostly. अलग अलग category से आती है वो. Okay. दूसरी बात होती है कि they are also known as the suicidal bag of the cell. इसे suicidal bag भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि and the very important thing कि these all are enzyme active at the acidic pH. ये सारे के सारे एसिडिक पीएच में ही एक्टिव होते हैं. सो द मेजर थिंग कि लाइसोसोम जो कि सेल में एक पाई जाती है, ठीक है, ये एक मैम्ब्रेन से बाउंडेड होती है. इसका जो अंदर का जो सैक होता है दैट कंटेन अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम. एज दे कंटेन अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम सो दे कैन ईजली डाइजेस्ट ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. For an example, protease is digest protein, carbohydrate digest carbohydrate, and the lipase is digest lipid. But these all are the enzymes which act their optimal function at the below the pH 7, that is at the acidic pH. Okay. Now, these are known as the suicidal bag, as we read in our previous classes, ki suicidal bag ka matlab hota hai ki wo किसी भी इनगल्फ करने में हेल्प करती है. कोई भी जैसे अपनी ही कोई सेल है जो कि ख़राब हो गई है, उसको वो क्या करती है, वो खाने का काम करती है. उसको स्कैवेंजर भी कहा जाता है. सुसाइडल होती है कि कोई भी लिविंग सेल को ये क्या करती है, डाइजेस्ट कर जाती है. एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. दिस आर नोन एज द स्कैवेंजर. स्कैवेंजर का मतलब है कि कोई भी ख़राब चीज़ है, कोई भी अगर बॉडी में कोई अटैक कर रहा है, लाइक किसी तरीके का कोई पैथोजन है, तो उसको भी ये किल करने में हेल्प करती है. क्योंकि उसका पीएच यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम क्या है, उसका पीएच एसिडिक मीडियम है. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज द स्कैवेंजर ऑफ द सेल एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. सो वेन देर इज़ अ नोट about the lysosome, there are specific point that it is a membrane bounded, it contains a digestive enzymes, the digestive enzymes are these all and they are acting at a acidic pH, that is they can digest their particular nutrient at this specific pH, and as well as they are known as the scavenger because they engulf all the kind of a pathogen which attack inside of our body. ठीक है, मतलब वो सारे के सारे जैसे कि एक डब्ल्यू बी सी का हम फंक्शन देखते हैं. एज वेल एज दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्योंकि ये अपनी ही सेल को क्या करती है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, लाइक उसे डाइजेस्ट करती है. नाउ कम्स टू द वैक्यूल. वैक्यूल क्या होती है? वैक्यूल जो होता है, हमने ये पहले भी बताया, किसी प्लांट सेल की बात करें तो उस प्लांट सेल में 90% जो स्पेस होता है ऑक्यूपाइड होता है बाय द वैक्यूल. क्लियर? दूसरी बात है, दिस इज द प्लांट सेल. प्लांट सेल में 90% ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल. और कहीं साइड में उसका क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस तो वही ले रहा है ना.
ठीक है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत ही टेम्पररी होता, परमानेंट नहीं होता, तो वो कहीं एक छोटा कहीं पाया जाएगा किनारे में और न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, ठीक है। नाउ ये जो वैक्यूल होता है दिस इज ऑल्सो मैम्ब्रेन बॉन्डेड, एक सिंगल बाहर एक लेयर मैम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है एंड दिस मैम्ब्रेन इज नोन एज द टोनोप्लास्ट। इस मैम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल। अब यहाँ पे इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, इस टोनोप्लास्ट का काम होता है कि बाहर का जो साइटोप्लास्ट है एंड दिस वैक्यूल ये स्टोर करता है या इसके पास प्रेजेंट होता है सेल सैप, ठीक है। इट कंटेन्स अ वाटर, इट कंटेन्स अ एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द सेल टू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो खुद ही कंटेन कर रहा है ये, तो बट ऑब्वियसली उसका साइज भी तो बड़ा होगा जब इतनी चीज़ें कंटेन करके रखेगा। सो दे कंटेन ऑल दिस चीज़ें, दे कंटेन ऑल दिस थिंग्स दैट सेल्स हैव वाटर एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट, ओके। ये जो टोनोप्लास्ट होता है इसका काम क्या होता है कि ये बाहर के कंटेंट को ये अंदर लाने का काम करता है, दैट इज कि इट ब्रिंग द आउटर कंटेंट into the vacuole and therefore they are greater in sizes mein bhi ye bada dikhta hai and contain most of the substance and in this case in the plant cell the substance most of the substance are present in the vacuole not in the cytoplasm as the stenoplast function as to move the substance from the lower concentration to the higher concentration and therefore the concentration get increases, their concentration or their sizes get increases. So this is all about the vacuole, ki vacuole ki bahar ki layer tonoplast, andar isme itne content, as jo tonoplast hai wo bahar ke content ko andar lane mein help kar rahi hoti hai, plant mein sabse zyada ye medium contain kar raha hota hai, so this is all about the vacuole, okay. But as in the case of the amoeba ki baat kare तो अमीबा में होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और प्रोटिस्ट के केस में होता है क्या है? फूड वैक्यूल। तो अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा के केस में हमने कहा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है एक्सक्रीशन करना का, कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी एक्सक्रीटिव वेस्ट उसको वो बाहर निकाल देगा। प्रोटिस्ट के केस में क्या होता है? प्रोटिस्टा के केस में जो फूड वैक्यूल होता है जिसका काम होता है इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल, मतलब उसी में अगर एक बात करें, एक होता है फूड वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सक्रीशन में हेल्प परफॉर्म करना और इसका काम क्या होता है कि फूड को इनगल्फ करने का काम करना। तो एक वैक्यूल है जो अपने इस नेचर के वजह से, कॉन्ट्रैक्शन करने के नेचर की वजह से या फिर उसमें इस तरीके की एबिलिटी होने की वजह से वो इनगल्फ करेगा जैसे सूडोपोडिया, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन उसके वजह से वो क्या करेगा, अपने एक्सक्रीशन को बाहर की तरफ वो एक्सक्रीट आउट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्यूल, एज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, इट कवर्स ऑलमोस्ट द 90%, देयर मेम्ब्रेन इज नोन एज द टोनोप्लास्ट, दिस टोनोप्लास्ट हेल्प इन एक्सचेंजिंग ऑफ अ आयंस एंड सम मटेरियल। ये क्या करते हैं? बाहर से कुछ आयंस को, सम मटेरियल को अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में बाहर से अंदर लेके आते हैं फ्रॉम द लो टू द हाई एंड देयरफॉर देयर कंसेंट्रेशन और देयर साइजेस गेट इंक्रीजेस एंड दे स्टोर द सेल सैप, वाटर एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल। एंड इन द केस ऑफ द अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट, इन द केस ऑफ अ प्रोटिस्टा दैट इज द फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट विच इज बेसिकली फॉर द इनगल्फिंग फूड पार्टिकल एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड ऑफ द सेल। Now, what is a mitochondria? Mitochondria, as we know, ki mitochondria is known as the powerhouse of cell. ठीक है? अगर हम mitochondria का एक structure दिखा के बात करें, तो mitochondria को powerhouse of the cell क्यों कहा जाता है? क्योंकि mitochondria का basic काम होता है energy को synthesize करना। तो हम इसकी बात करें कि दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एज दे सिंथेसाइज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ एटीपी एंड देयरफॉर इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके,
दिस एटीपी इज अ बायोलॉजिकल एनर्जी. बायो में जो भी काम है इसी एनर्जी की वजह से हो रहा है, बायोलॉजिकल एनर्जी का काम करती है. ठीक है, इस एनर्जी की वजह से ही उसमें क्या हो रहा होता है, रेस्पिरेशन. मतलब रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल एंड फाइनली रिलीजेस द एनर्जी, यही होता है रेस्पिरेशन. तो इस रेस्पिरेशन में जो भी हम खाना खाते हैं वो टूट के हमें एनर्जी देता है. ये एनर्जी हमें एक्चुअली जो मिल रही होती है वो कहाँ से मिलती है, सामने है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है. तो इसका मतलब है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो दिस रेस्पिरेशन इज डन बाय, या इसको परफॉर्म किया जाता है ओनली बाय माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन. ये एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या करती है, परफॉर्म कर रही होती है. ठीक है, नाउ ये तो इसके हमने बात करी, फंक्शन की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कर ली. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका डायामीटर होता है, दैट डायामीटर इज अप्रॉक्स 0.2 to 1 माइक्रोमीटर. इसकी लेंथ की बात करें तो दिस इज अप्रॉक्स 2 to 4.1 माइक्रोमीटर इन अ लेंथ. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड अबाउट द फंक्शन. नाउ इन अ स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में ये बना होता है एक आउटर मेम्ब्रेन से. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है. दैट इज इसके आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. इन बोथ ऑफ द मेम्ब्रेन देयर आर रिलेटेड, दे आर लिंक्ड विद सम एंजाइम. मतलब दोनों के अपने अपने एंजाइम्स लिंक्ड होते हैं. सो इनर मेम्ब्रेन के अपने कुछ एंजाइम्स होते हैं जो वर्क परफॉर्म करते हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक कंटिन्यूस नहीं होती. ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कैसी है, कंटिन्यूस है. लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड दैट इज नोन एज अ, उसे कहा जाता है क्या, क्रिस्टाई. क्यों होता है उसमें ऐसा काम, क्योंकि ये जो क्रिस्टाई होती है, ये क्रिस्टाई इसके अंदर का जो पार्ट होता है, ये पूरे के पूरे जो ल्यूमिन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको ये दो भाग में डिवाइड कर रही होती है. एंड दिस पार्ट इज नोन एज अ मैट्रिक्स. दिस इज अ इनर मेम्ब्रेन विच इज फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज नोन एज अ क्रिस्टाई. And this crystalline help in increase the surface area of cell. ये surface area को, not cell, surface area of mitochondria, उसकी बढ़ाने में ये help कर रही होती है. अब आता है इसके matrix की बारी. तो इसके matrix में पाए जाते हैं some smaller circular DNA पाए जाते हैं. They contain a smaller circular DNA. They contain a 70S kind of ribosome. They contain a RNA. That it also contains some RNA. ठीक है, और भी कुछ उसमें एंजाइम्स होते हैं. जो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें वो इसके अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि राइबोसोम्स का अल्टीमेटली यहाँ पे फिर से राइबोसोम होगा. तो इसका मतलब है ये क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज भी करेगा. ठीक, सो व्हाट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, वंस अगेन, माइटोकॉन्ड्रिया इज हैविंग अ डायमीटर दिस एंड लेंथ इज दिस. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिशन करके डिवाइड करने की भी कैपेसिटी होती है. सो इन अ माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज अ बाइनरी फिशन आल्सो वर्कड आउट. यहाँ पे ये भी होता है, दैट इज इट कैन डिवाइड बाय द बाइनरी फिशन. इट इज आल्सो नोन एज द ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर. क्यों कहा जाता है ऑटोनॉमस, या क्यों कहा जाता है इन सारे पार्ट्स को, अब हम इसको पूरी बातें बताएं. तो दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर वही होता है जहाँ पे हमें पावर मिलता है, दैट इज एनर्जी मिलती है. तो इसके केस में ये सिंथेसाइज करता है एनर्जी को, दैट इज द एटीपी को. और वो कैसे करता है, क्योंकि ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके पास एक पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल को हम कहते हैं F0F1 पार्टिकल्स होती हैं. ये जो F0F1 पार्टिकल्स होते हैं, ये एक्चुअली हम उसको डिटेल स्टडी में पढ़ते हैं आगे कि कैसे वो एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि इनके पास एंजाइम्स होता है एटीपी सिंथेस नाम का. इनके पास एंजाइम होता है दैट इट कंटेन अ एटीपी ए सिंथेस एंजाइम, जिसकी वजह से एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही काम होता है प्रोटॉन के डोनर, लाइक प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करता है. ये हम आगे फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में कंप्लीट पढ़ेंगे कि कैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरीके की एबिलिटी होती है कि वो एटीपी को सिंथेसाइज कर सकता है. ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में इसको डिटेल समझाया गया है.
So this is known as the powerhouse of the cell, which synthesizes the energy, and the energy in the form of a ATP, which is a biological energy. ठीक है. Now this process of the forming of energy, ये जो energy के बनने का जो process होता है, process of formation of energy by the oxidation is known as the respiration. So in short हम कह सकते हैं कि ये mitochondria एक respiration को करने के लिए responsible होता है. और कौन सा respiration? That is the aerobic. दो type के respiration होते हैं, aerobic और anaerobic. तो anaerobic में हमें इतनी energy नहीं मिलती, क्योंकि anaerobic तो सिर्फ cytoplasm में हो जाता है. Aerobic respiration जो होता है, this is occurred in a mitochondria and it form a 38 molecule of energy. ठीक है, 36 और 38. नाउ इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो एक आउटर मैम्ब्रेन है, उसके बाद ये इसका पूरा ल्यूमेन है, जिस ल्यूमेन को इस इनर मैम्ब्रेन ने डिवाइड कर दिया है, आउटर एंड द इनर. इनर इज नोन एज द मैट्रिक्स, एंड दिस मैट्रिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे ही आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वहाँ उसके बहुत फंक्शंस आते हैं. तो दिस इज कंटेन द स्मॉल सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, आरएनए, एंजाइम्स, एंड देयर मैम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन सम एंजाइम. ठीक है, जिस जो हमने बताया ना एटीपीएस वाली बातें. सो दिस राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, एंड हेंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो रिलेटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस. Now this is the structure, and what about the, it is a self-replicating because it can divide itself, खुद से divide करेगी, क्योंकि DNA तो contain है, RNA भी contain करती है, protein भी, तो इसको किसी और की ज़रूरत क्यों है, सारी hereditary चीज़ें तो वो contain कर ही रही है, अगर वो खुद भी divide करेगी तो एक अपने में एक structure unit खुद ही बना लेगी. So this is a self-replicating, और इसको autonomously replicating unit भी कहा जाता है.